दिनचर्या काटते हैं। आंटी आप रोज सुबह शाम कस्टमरशिप भी देखते हैं, लोगों को जाते हुए देखते हैं, बच्चों को भी जाते हुए देखेंगे, खासकर मैं पहले सफाई व्यवस्था और रोड की पूछ रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया, आपने नेता चुना और आपका काम नहीं हो रहा, आप इस तरीके से रहते कुछ भी नहीं हो रहा है, आप तो देख ही रहे स्थिति। अब आप बताएंगे ना, मैं देखने के लिए आया हूँ, वोट तो आपने दिया था ना जी, नेता आपने चुना था, अब जब आप चुनाव आ गया फिर वोट लेने के लिए आंटी आएंगे, इसीलिए हमारा चैनल का सर्वे है कि लोग तो देखें कि अब आप लोग बदलाव करेंगे या फिर उन्हीं को वोट दे के फिर बिठाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि नहीं कोई काम नहीं हो रहा है, पूरा रोड तोड़ दिया है, रोड तोड़ के नाला पानी इतना इतना भरा रहता है जो आने जाने वाले कोई गेस्ट आते नहीं है। वैसे आएंगे बच्चे कर ही रहे, एक रिक्शा वाला नहीं आता है, बच्चा सब ऑफिस से आते समय चला जाता है दूसरे दूसरे के यहाँ, यहाँ इतनी जा रहे हैं, इतना प्रॉब्लम है यहाँ जो बता नहीं सकती। वही ना, कोई आता है बोल के चला जाता है, उस दिन ना वहाँ पे आए हुए थे। बेटा बेटी है, आपकी बेटी है, सब है, शादी की उम्र की है, कोई रिश्ता अगर जा रहा होगा आपकी तो होगी ना भाई, कहाँ से है ये परिवार, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ऐसी हालत में? कोई यहाँ पे बेटी बेटी को यहाँ पर बहू बनाकर लेने के लिए आएगा यहाँ संगम यार? कैसे आएगा, देख ही रहे स्थिति कैसा है, बस वोट मांगते समय सब आते हैं हाथ जोड़ने, इस बार हाथ जोड़ने आएंगे तब बताऊंगी। बताएंगे? हाँ बताऊंगी, बोलूंगी, बोलती ही हूँ। वहाँ पे मीटिंग हुआ था तो मीटिंग में बोला कि जो अपना अपना वो करो, अब उसका नाम तो मुझे नहीं पता, निगम पार्षद का नहीं, दिनेश मोहनिया का कोई था, अब वो कौन था? मैं नहीं था, तो मैं 5 मिनट के लिए गई थी, तो वो बोला कि अपना अपना वो लगाओ, मतलब वो जो शिवर बनाया है उसमें अपना अपना पाइप लगाओ, बताओ कितना बड़ा गड्ढा है जो दो घर का आएगा तो भर के कितना वो हो जाएगा, अपना अपना पाइप के अपने पैसों से लगाओ। हाँ ये आंटी सच बात है, ये उन्होंने ये बोला कि अपने पैसों से लगाओ। मैं गई थी यहाँ, सच बात क्या है, मैं गई थी। अच्छा देखिए, मैं किसी से पूछ के थोड़े ना बोल रही हूँ, मैं गई थी, बोला अपना अपना पाइप लगाओ, जो ये बोली कि इतना छोटा छोटा है उस गली में, तो वो भी नहीं है, पानी का पाइप भी नहीं है उस गली में, तो चलो दिखाओ, मैं बोली चलिए अभी, फिर वहाँ बकवास होने लगा सबसे, क्यों आएंगे, मतलब उलझा तो जरूर है, काम नहीं कर रहे हैं, नहीं हाँ उलझा दे रहे हैं। चलिए ये स्थिति है, और अभी और एक आंटी है यहाँ पे, आंटी सिलाई का काम कर रही है, और आंटी यहाँ पे अगर पुरानी होंगी तो आंटी को सब कुछ पता होगा। आंटी यहाँ पर कितने साल से आप रहते हैं? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल तो चलो पूछूंगा नहीं, तो पिछला 5 साल का रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ। आपका जो MLA है वो आम पार्टी का है, अभी चुनाव तो 1.5 साल पहले निगम पार्षद का हुआ था, तो वो भी आपके लिए आम पार्टी से हुए, तो आपने वोट दिया होगा, जवाब दीजिए कि आपके क्षेत्र में ये सब क्या देख रहे हैं सर्वे में? हम कुछ नहीं देख रहे, नहीं यहाँ किसी चीज की व्यवस्था नहीं है भाई, किसी चीज नहीं, पानी की नहीं, ये नाली की कुछ नहीं है, ये सब कुछ होगी, हर चीज की दिक्कत है यहाँ। पैसा तो आपने तो नेता बनाया कि भाई पैसा लेके आएगा और हमारे क्षेत्र में काम करेगा, वहाँ से तो पैसा आया, सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? अब वो तो वही अपने जो बने हुए हैं वही रख रहे हैं, क्या करेंगे, नाली है यहाँ पे, ना सड़क है, ना सोनिया का पानी है, नहीं है, पानी था प्राइवेट लगवाए हमने, 6,000 रुपया खर्च किए थे, तो सोनिया बिहार का पाइप पानी कहाँ है? वो पानी पाइप काट लिया उन्होंने, वहाँ से ही आगे से ही काट लिया है पानी का पाइप। क्या कह रहे हो, दी नहीं सोनिया? नहीं नहीं है हमारे पास, नहीं है सोनिया बिहार का पानी, प्राइवेट ही पानी है, कोई चारा नहीं है पानी का हमारे पास। सुनिए ये सर्वे में आप लोग बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ हम आपको अवगत कर रहे हैं, और F2 ब्लॉक में लगातार महिलाएं और जिम्मेदार व्यक्तित्व तो सभी कोई यहाँ पर वोट देने के बाद जिस प्रकार से उम्मीद लगाए हुए थे कि भाई हमारे नेता यहाँ से जीत के जाएंगे, बजट लेके आएंगे और हमारे नाली गली पानी जितने भी है जो मूलभूत सुविधाओं से हम लोग ग्रसित हैं, पानी नहीं है तो सोनिया बिहार के पाइपलाइन के जरिए हमें पानी मिल जाए, रोड नहीं था तो रोड बना के दे दें, सीवर लाइन डाले तो हैं मगर ये कारगर कितना है, इस पे इन लोगों ने कितना बढ़िया काम किया। आंटी सीवर लाइन डाला तो है, ये रोड भी नहीं बना, किस तरीके से आप ये देखते हैं चीजों को और वोट दिया है तो आपको क्या लगता है, सफल गया? बिल्कुल सक्सेस नहीं है,
बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है, बस बेवकूफ बनाया गया, अभी तक चालू नहीं हुआ है। पानी की बहुत समस्या है, हमें 10-10 दिन का पानी पीना पड़ता है। 10-10 दिन का पानी पीना? जी बिल्कुल, वो तो फिल्टर है तो पी रहे हैं। केजरीवाल जी अभी जीतने से पहले उन्होंने वादा किया था कि नल जल योजना के तहत इतने लीटर पानी फ्री देंगे, उसके बाद सोनिया बिहार की पाइपलाइन के जरिए घर तक पहुंचाएंगे। पानी तो पहले से फ्री आ रहा है, फ्री तो तब होता ना जबकि आपके सोनिया बिहार का कनेक्शन इसमें चालू रहता है, तब ना फ्री हम समझते कि हमें फ्री पानी मिल रहा है। फ्री तो हम शुरू से ही ले रहे हैं, और शुरू से क्या, जब खत्म हो जाता है पानी तो हम टैंकर मंगाते हैं। पानी तो मंगाना पड़ेगा। हाँ, मगर इनने क्या करा, इनने तो नहीं दिया ना? जी नहीं, ये तो पाइप डाल दी है बस शॉप के लिए, बिहार का नहीं, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, और इन फ्यूचर हमें कुछ पता नहीं, फ्यूचर के लिए पता नहीं है, आगे की प्लानिंग के बारे में पता नहीं है। मगर फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल की स्थिति में महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, यहाँ पे बच्चे, सभी कोई रोड के लिए परेशान है, महिलाएं पानी के लिए परेशान है, और सफाई व्यवस्था के लिए। आंटी आप यहीं पे रहते हैं? ये हमारे घर के आगे, पहले देखो ना। नहीं, मैंने पूरा ब्लॉक सर्वे कैमरे में दिखाओ, वो मैं दिखा रहा हूँ अभी। जवाब आंटी आप देंगे, क्योंकि सर्वे पे मैं आया, वोट दिया था आपने पिछले दो बार, वोट तो चार बार ही देते, नेता आपने चुन लिया था, पैसा वहाँ से आ भी गया, अब काम क्यों नहीं कर रहे? आप तो वोट पकड़ाएंगे अब की बार, वोट जब आते हैं, जब बोलते हैं जाके हम तसल्ली देते हैं हमें कि अभी हो रहा, वो तो कुछ नहीं, इतना पानी गंदा भरा रहता है रोड। आंटी कहीं पे गुंजाइश ही नहीं है, पैदल रखो एक जगह, देखो मैं खड़ा हूँ, रोड ही आपके पैरों में नीचे आई है। हाँ हाँ, बाहर निकलना मुश्किल है हमें बहुत ज्यादा। बारिश में तो ऐसा है कि जो पहले भी सोचते हैं कि मतलब जाए नौकरी के खतरे हो जाते हैं, नौकरी जाए या नहीं जाए, अगर चले भी जाए तो शाम को बारिश में कैसे वापस आए, वो भी एक झंझट। पहले चले तो जाए, आने का तो सोच रहे थे कि कहीं भी कुछ कर लेंगे, नौकरी मतलब लोगों की जा रही है। बारिश में ये प्रॉब्लम होती है कि लोग अपनी प्राइवेट जॉब में जा नहीं पाते हैं, यहाँ तो मिनट का खेल होता है। कहाँ है आपका घर? मेरा घर, चलिए 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 आंटी, हमें अपने घर जरूर लेके जा रही है। चलिए, ये महिला जो है अपने आसपास के जो बिल्कुल आपके घर को सटे हुए नाली और रोड्स किस तरीके से हैं, आंटी ले जा रही है, और मैं आपको ये ग्राउंड सर्वे के जरिए पूरा अवगत भी कराऊंगा, और समस्या के बारे में ये दिखाना चाहता हूँ कि आंटी जो अपने ये घर के सामने, ये देखिए दीवारें खराब हो गई हैं, दोबारा से लगाना पड़ेगी, पानी खड़ा हो गया, पानी घर तो दब भी सकता है आंटी, घर तो दब जाएगा, इस तरीके से पानी है, अंदर गैप आ गए हैं और कीड़े अंदर जाते हैं सारे ये नालियों के। ये देखिए, ये आंटी का घर है, ये किस तरीके से देखिए, ये पूरा ये जर्जर हालत में आंटी को यहाँ पर रहना मजबूर, गैप आ गया हमारी दीवारों में, ये हमें दोबारा से बनाना पड़ेंगे। आगे आगे जाके अपने घर के पास बताइए, तो इस तरीके से ये परिस्थिति है। ये देखिए, ये आंटी जो हैं बता रहे हैं कि हमारे घर की परिस्थिति जो ऐसी है, तो इस बार वोटिंग में क्या बदलाव करेंगे, उन्हीं नेताओं को दोबारा से वोट देके चुनेंगे आप? अब जो हमारे लिए काम करेगा हम तो उनके लिए चुनेंगे ना, बार बार थोड़ी ना हम धोखा खाते रहेंगे। सही बात है, और बार बार धोखा खाने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है ये, और वोट देने का अधिकार है आप लोगों को, आप लोग वोट दीजिए और नेता चुन के अपने क्षेत्र का काम जरूर कराएं। ये F2 के सर्वे के जरिए अभी हम एक और महिला है, ये इनका घर है, इनसे भी एक बार और जरूर बात कर लेते हैं। आंटी क्या कहेंगे, आपके घर के सामने, आपके गली में, F2 पूरे ब्लॉक में हालत खराब है, पानी पहले सवाल है, पानी आया सोनिया बिहार के जरिए? ये तो सब देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो आप नहीं, अब जवाब लेने के लिए आए हैं, क्योंकि नेता आपने चुना था ना आंटी, दो बार आपने वोट दिया, अभी MLA का दिया, अभी फिर उसके बाद निगम पार्षद का दिया, दोनों बना भी दिया आपने, पैसा भी बजट भी पारित हुआ, काम नहीं हो रहा है। मरीज के बिल ले जाने में हॉस्पिटल कितना दिक्कत हो रहा है बताइए, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो पानी फिर आंटी नल जल योजना के तहत बोले थे कि भाई 20 से पानी दे देंगे, मीटर लग जाएगा, सुनिए बिहार से क्या लग गया, पानी आ गया? लगा कहाँ है, कहाँ पानी आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं आ रहा है, पानी वानी कुछ नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, नाली तो सब देखने के लिए ऐसे ही है, कुछ नहीं, नहीं सफाई हो रहा है, नहीं पानी आ रहा है, कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ पे। तो अभी दोबारा से चुनाव अक्टूबर से फिर से कैंपेन में लग जाएंगे, गली गली घूमेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, हम तो सर्वे पे आए, हम सर्वे पे आए, आपसे कुछ लेने नहीं आए ना, वोट मांगने आए आंटी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सर्वे पे आया हूँ, मैं नहीं मांगूंगा, अभी अगले बार अगले महीने वो लोग आएंगे कुछ मांगने, वो जो वो आप दोगे नहीं दोगे वो आप बताओ। हाँ, कैसे देंगे जब ये ऐसे हाल होंगे हमारे तो। ठीक है नेताजी, जो देखेंगे इस वीडियो को देख लीजिए, आंटी देख लीजिए, ये मैडम को देख लीजिए, F2 में
F2 में सर्वे करते हुए जितनी भी जनता है यहाँ पर हम सभी से बात कर रहे हैं और आप लोग भी सुनिएगा जरूर इनको। और गलती हो गई, पहले गलती हो गई, अब उसमें सुधार होगा, सुधार होगा, सुधार होगा। अब हमने जो गलती की है वो उसे सुधारेंगे, सुधार होगा। अब हमें अच्छा लगा। और अंकल जी आप यहाँ पे रहते हैं, ये घर है आपका, तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व और सीनियर होने के नाते क्षेत्र में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? मैं अभी इस एरिया में तो अभी आया हूँ, करीब 2 महीना हो गया। मैं आगे रहता था यहाँ पे, लेकिन पानी का ही संगम बिहार में ही रहता हूँ जी, संगम बिहार में। उसी के अंडर में तब भी आ रहा था, दिनेश मोहनिया के अंडर में है। वोट दिया होगा आपने नेता समय पे? जब दिया जब ही तो आया ये। अच्छा, बजट भी लेके भी आ गए? काम क्यों होता है यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई तो देता नहीं ना। अभी कौन पूछेगा, वो तो फिर निकलते घर में, सीधा घर के अंदर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठना नहीं जाता, ये देख रहे हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे, आदमी बीमार हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, बारिश हो जाता है यहाँ पे, आदमी निकल नहीं पाता है, इतने इतने पानी जमा हो जाते हैं बतरा रोड पे, इधर स्कूल के पास में। अब देखिए तो उस टाइम बारिश में जब आइए तब देखिए यहाँ की हालत कैसे रहता है, यहाँ पे कैसे लोग गुजार रहे हैं। तो दिनेश मोहनिया अब की बार आपके घर तो बड़ी जल्दी आने वाले हैं कैंपेन के तहत, मगर मैसेज के जरिए, इस वीडियो के जरिए, इस सर्वे के जरिए जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जो जवाब देना चाहते हैं मैसेज का, जो ये सरकार है उसको तो देखना चाहिए ना, करना चाहिए जब हम उसको चुन के भेजे हैं। फिर यहाँ पे सवाल होता है कि उनकी हाजिरी क्या है, कभी वो महीने दिन में आते हो? हमने तो देखा नहीं यहाँ पे कभी, तो फिर कैसे करेंगे जब आएंगे ही नहीं? तो यही तो रीजन है ना, जो यहाँ का MLA है जो भी है, यहाँ तो कभी दिखाई नहीं देते कि यहाँ पे लोगों का क्या तकलीफ है, क्या नहीं तकलीफ है। तो नेताजी तो आते ही नहीं है, तो अंकल जी वीडियो के जरिए जो मैसेज दे रहे हैं नेताजी, आप जरूर देखिएगा सिचुएशन। हम आपको सर्वे करके ग्राउंड से ये वीडियो तैयार कर रहे हैं और कल ये वीडियो आपको प्रस्तुति के तौर पर मिल जाएगी। जनता की बातें जरूर सुनिएगा और ये गंदगी, पानी की समस्या, इसके ऊपर जरूर आप लोग संज्ञान लेके समस्या का समाधान जरूर कीजिए। बहरहाल दिनेश जायसवाल, रंजीत कुमार जी और ये भाई क्षेत्र में मिलकर के F2 में सर्वे कराए और जनता जनार्दन चैनल के जरिए अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भी सर्वे किया जाए और आप लोगों से पूछा जाए, भाई साहब कुछ पूछूं आपसे, अगर इधर से गुजरते पड़ते जा रहे हैं तो, संगम विहार में रहते हैं आप? अच्छा जी, नेता आपने चुना होगा, अभी वोटिंग गई थी, निगम पार्षद भी बनाया आपने, MLA भी बनाया, तो दोनों ने काम किया? कुछ काम नहीं किया, जब से वोट हुआ जब से शक्ल दिखाने भी नहीं आया बिल्कुल भी। अभी वही शिकायत आ रही है और गलियां तो सारी टूटी पड़ी है, गली सारी टूटी पड़ी है, बारिश पड़ती है, कितना पानी भरा घुटने, लोग तो यहाँ पे करंट में कई सारे मर भी गए, खबर आई है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और दूसरी खबर ये है कि जितने भी आपकी नालियां हैं सारे बंद पड़े हैं, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल काम नहीं हो रहा, सारी नालियां बंद पड़ी है आपके सामने देखिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि नल जल योजना के तहत सोनिया बिहार का पाइपलाइन डलना हो, उसमें पानी आना हो, क्या सोनिया बिहार का पानी आया? नहीं आया, नहीं आया बिल्कुल नहीं, तो लाइन भी डली है, लाइन भी नहीं डल पाई सोनिया बिहार का, यहाँ पर पानी भी तक नहीं आया। तो अभी चुनाव आ रहा है, दोबारा से वोट के लिए वो आएंगे आपके घर पे, आपसे मुलाकात होगी अभी बड़ी जल्दी। हम तो सर्वे पे आए हैं, हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, आपसे ओपिनियन मांग रहे हैं, आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, वो आएंगे सीधा वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे फिर आप? बहिष्कार करेंगे वोट का पक्का? इस बार बदलाव की उम्मीद है संगम बिहार में? हाँ बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस बार संगम बिहार की जनता बदलाव की ओर देख रही है। आप लोग रिपोर्ट को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने गली मोहल्ले का सर्वे जरूर कराना चाहते तो चैनल में दिए गए नंबर में कॉन्टेक्ट जरूर करें और हमें लोकेशन के साथ अवगत करें ताकि हम आपके क्षेत्र में जाके नाली सड़क बिजली पानी तमाम सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित आप लोगों की गली मोहल्ले का सर्वे करके आप लोगों को हकीकत से रूबरू करा सकें। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।